जैन दोस्तों स्वागत है चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ एक बार से सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को अचानक से किया गया गिरफ्तार, जिसके बाद विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं सवाल। बताएंगे आपको तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ में गोदी मीडिया के पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से FIR दर्ज कराने जा रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में अभिसार शर्मा के समर्थन में आए देश के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। दोस्तों और कर्नाटका की कोर्ट ने सुधीर चौधरी जमकर फटकार लगाई है। बताएंगे आपको कैसे कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार को बदनाम करने की कर रहा था कोशिश, जिसके बाद ये फटकार लगाई गई है। दोस्तों और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट दिए जाने के मामले पर अब BJP में ही अंतर कलह देखने को मिल रही है। यादव समाज की ओर से 2019 को रिपीट करने की धमकी दी गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसके साथ में संजय गांधी अस्पताल को अमेठी के अंदर बंद किया गया था, जिसमें स्मृति ईरानी का हाथ बताया जा रहा था, लेकिन अब लखनऊ की कोर्ट ने BJP को इतना तगड़ा झटका दिया है कि भाजपा के लोग अब दोबारा इस तरीके का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी 2024 और इंडिया गठबंधन के बनने के कारण की गई है और एक तरीके से बौखलाहट वाली गिरफ्तारी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर न्यूज क्लिक के पत्रकारों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अचानक से अगले दिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के घर पर ED पहुंच गई। सुबह से लगातार छापेमारी की गई। दोस्तों शाम तक पूछताछ के बाद संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। ED ने इस मामले में उनके स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने संजय सिंह को कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की है। ED ने अपने आरोप पत्र में दिल्ली स्थित व्यवसायी दिनेश अरोड़ा का उल्लेख किया है, जिसने दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की सहमति जताई है। आरोप है कि अरोड़ा ने संजय सिंह की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में उनके आवास पर बैठक की। अरोड़ा ने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान उनकी संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। संजय सिंह से मुलाकात के बाद वह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ये कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए आयोजित किया गया। संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको बता दें कि ED के द्वारा की जा रही बार बार छापेमारी और पत्रकारों के बाद नेताओं की गिरफ्तारी, खासकर विपक्ष के उन नेताओं की गिरफ्तारी जो मोदी सरकार को लेकर मुखर है, इस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि कल पत्रकारों को कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, ये इनकी बौखलाहट को दिखाता है। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल की ओर से भी टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के घर भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। भाजपा जानती है कि वे 2024 का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वे परेशान है। चुनाव तक एजेंसियों की कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। साथ साथ ED ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, तो अब कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के उन समर्थकों से सवाल पूछा है जो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे थे। उनसे पूछा गया कि 4 दिन पहले ही कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी की गई थी, जिसकी तारीफ आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने की थी। यानी ये समझना पड़ेगा कि आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की जगह एकजुट होकर BJP के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है गोदी पत्रकार अमीश देवगन और न्यूज 18 को नोटिस भेजने के लिए। मिली जानकारी के अनुसार FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल दोस्तों अमीश देवगन ने लाइव डिबेट के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो मैनिपुलेट करके दिखाया था, यानी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई थी। मनमोहन सिंह के 2006 के वीडियो में कही गई बातों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। BJP IT सेल वाले लोग इसी तरीके की हरकतें कर चुके हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के दावे को गलत तरीके से पेश किया जाता है। ललन टॉप ने और तमाम न्यूज एजेंसियों ने कई बार इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया है और डिटेल में जानकारी इकट्ठा की है, और उससे पता चला है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मनमोहन सिंह के बयान को पेश किया जाता है। मनमोहन सिंह का वही बयान है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी गलत तरीके से कर रहे थे, यानी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। बकौल BJP ये बयान मनमोहन सिंह ने दिया है, जबकि उनके बयान का कॉन्टेक्स्ट ही अलग था। और अब अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। साथ साथ अभिसार शर्मा के समर्थन में आए रवीश कुमार बोले, बेल आइकन दबाने की अपील करने वाले आइकन नहीं है, तुम हो आइकन। यानी अभिसार शर्मा की तारीफ करते हुए रवीश कुमार ने यह टिप्पणी की है। दोस्तों साथ साथ कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है, जिसके बाद अब न्यूज मीडिया में कांग्रेस पार्टी सरकार को लेकर अफवाह फैलाने वाले इन पत्रकारों को सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल सुधीर चौधरी ने कर्नाटक की सरकार को डिफेम करने की कोशिश की, यानी बदनाम करने की कोशिश की, और यह दावा किया गया कि अल्पसंख्यक समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अलग से मुहिम चला रखी है, इसमें बहुसंख्यक समाज के लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो स्कीम कर्नाटक की सरकार लेकर आई है, ये बैक
बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए है, खासकर एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज के जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए है। लेकिन न्यूज प्रोपोगेट किया गया कि ये केवल एक कम्युनिटी के लिए है, यानी एक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए लाया गया एक योजना है जो पूरी तरीके से गलत है। ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है बल्कि हिंदुओं के लिए भी है, एससी एसटी समाज के बैकवर्ड लोगों के लिए भी है। सुधीर चौधरी पर 153A 505 सेक्शन के तहत मामला दर्ज हो चुका है और मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को रखी गई है, देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद अब बीजेपी में विरोध के सुर और ज्यादा फूटने लगे हैं। गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिंदर सिंह को टिकट दिए जाने के मामले पर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने टिप्पणी की है, उनको ये फैसला नागवार गुजरा है। यादव महासभा ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष आरएन यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखा है। पत्र की कॉपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितयानंद शर्मा को भेजी गई है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसी तरीके की बीजेपी ने टिकट बंटवारे की कोशिश की तो हम लोग 2019 के नतीजे को रिपीट कर देंगे। यानी दोस्तों 2019 के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने केपी यादव को मैदान में उतारा था और केपी यादव ने सिंधिया को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया था, जिसके बाद यादव महासभा की ओर से स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर बीजेपी अपना टिकट नहीं करेगी वापस तो अपने तरीके से जवाब दे दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ क्या बीजेपी के संगठन में ही साजिश रची जाएगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर आरोप लगा है कि उन्होंने संजय गांधी अस्पताल को अमेठी के अंदर जानबूझकर सस्पेंड कराया है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के आरोप है। इसके बाद अब लखनऊ हाईकोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए सरकार से फिर से इस अस्पताल को चालू करने के लिए कह दिया गया है। यानी आज से इस अस्पताल की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए भी तैयार है और ये अमेठी के चुनाव को लेकर 2024 के नतीजों को लेकर एक संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संजय गांधी के नाम से बने अस्पताल खासकर अमेठी के अस्पताल को बंद नहीं होने देना चाहती है। वरुण गांधी ने भी इस अस्पताल के बंद होने का विरोध किया था और अब देखते हैं स्मृति ईरानी ने क्या ये कदम उठाया था और क्या ये स्मृति ईरानी को तगड़ा झटका है। जो भी आप लोग की राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी सियासी खबर आ रही है दोस्तों। हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा से निकाले गए इमरान मसूद एक बार फिर से अपनी घर वापसी करने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी में वापसी करने जा रहे हैं। एपी न्यूज से खास बात करते हुए इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं। इमरान मसूद इसी सप्ताह कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, 7 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। 2014 में उन्हें सहारनपुर से बीजेपी ने मैदान में उतारा था, उस दौरान उनकी ओर से की गई टिप्पणी काफी चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको काफी आगे किया, कई सारे चुनाव लड़वाए, लेकिन उन्हें शायद कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं आए तो उन्होंने बाद में बीएसपी ज्वाइन कर ली। लेकिन बीएसपी के अंदर भी रहने के बावजूद उनको चुनाव में जीत नहीं मिली तो वापस से वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी पुरानी पार्टी है, इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और हाल फिलहाल के अंदर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि मुसलमानों के लिए केवल एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी, जो उनको न्याय दिला सकती है। सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। देखते हैं 2024 के चुनाव में किस तरीके का नतीजा इन सीटों के आसपास के इलाकों में रहेगा। दोस्तों साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि कार्रवाई पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, बदला लेने की भावना से नहीं होनी चाहिए। यानी एक दिन पहले पत्रकार और उसके बाद संजय सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई के बीच ये टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आई है, कहीं ना कहीं ईडी को आईना दिखाने जैसी बातें हैं। दोस्तों वहीं पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में मालवा क्षेत्र से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में प्रवेश हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा दोपहर 1 बजे शहर क्रिसेड चौराहे पर पहुंची। बीजेपी के विधायक सुदेश राय के भाई कांग्रेस पार्टी के नेता सुकेश राय के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां से कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भाऊखेड़ी पहुंची, जहां विशाल जनसभा को आयोजित किया गया। बता दें कि मालवा क्षेत्र से निकाली जा रही जन यात्रा लगातार जन समर्थन इकट्ठा कर रही है दोस्तों, और भारी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र बीजेपी के लिए मुश्किलों में आ सकता है। साथ साथ साल के अंत में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एक बार फिर से वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी में अपमानित होने के बाद अब अपने प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल हर कोई नया राजस्थान बनाने की बातें कर रहा है, नया राजस्थान ऐसा नहीं बनता। नया राजस्थान बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। राजस्थान पर वही राज कर सकता है जो जनता के लिए सोचता हो। कोई राजा तब तक नहीं बन सकता जब तक जनता के भरोसे पर खड़ा ना उतरे। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि जनता को भरोसा दिलाना होगा कि हम उनके साथ में हैं, उनके दुख में शामिल होना होगा, उनके लिए मेहनत करनी होगी, उन्हें भरोसा दिलाना होगा, तब जाकर बनेगा नया राजस्थान। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं पर इशारों में निशाना साधा है। दोस्तों बिहार में जातीय जनगणना सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिहार
बिहार में जाति के आधार पर हुई जनगणना के ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जिससे बीजेपी पार्टियां बुरी तरीके से घबरा गई है। जनगणना के इन आंकड़ों से देश के अंदर राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल सकता है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद देश की राजनीति में पूरी तरीके से परिदृश्य बदलने वाला है। साथ साथ दोस्तों, महुआ मोइत्रा को घसीटे जाने पर भड़के प्रकाश आम्बेडकर बोले, डरपोक पीएम का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 24 इंच का है। साथ साथ दोस्तों, मोदी सरकार में मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों को धमकियां दी जाती है, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो आपके पीछे ईडीआईटी और सीबीआई लगा देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया है। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अपना नया राग अलापना शुरू कर दिया है, जितनी आबादी उतना हक। इससे साफ हो गया है कि देशवासियों में आपसी खाई और वैर की भावना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए जयराम रमेश बोले, कहा जो देश की सारी संपत्ति अपने खास मित्रों के हाथ में सौंप रहे हैं, जिन्होंने मनरेगा का मजाक बनाया, जिन्होंने कोविड के समय श्रमिकों के हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए उन्हें मजबूर किया, जिन्हें खाद्य सुरक्षा के अधिनियमों का विरोध किया, वह आज गरीबों की बातें कर रहे हैं। सच ये है कि ये डरे हुए हैं। पिछले 9.5 साल में इन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना से भाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि आपने सही कहा जयराम रमेश जी, हमारे प्रधान सेवक जी जब तक रोज एक बड़ी सफेद झूठ ना बोले तब तक उनका पूरा दिन नहीं होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर बोला गया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीब उनकी प्राथमिकता है लेकिन नियम और नीतियां अरबपतियों के पक्ष में बनाते हैं। महंगाई बेरोजगारी से गरीब जनता परेशान है लेकिन इन्होंने मौन थाम रखा है, अब जनता सब समझने लगी है। अगर आप लोगों को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े हैं सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद।